बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए लोगों को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी। ऐसे में वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के भविष्य को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि क्या इन्हें केंद्र में कोई जगह दी जाएगी या फिर बीजेपी ने कुछ और ही प्लान कर रखा है। क्या 2024 में भाजपा इन दिग्गज नेताओं के अनुभव को काम में लाएगी? क्या राजस्थान एमपी में यह प्रयोग सफल होगा? छत्तीसगढ़ में विष्णु साय को जब सीएम के लिए चुना गया तो लोग इतने हैरान नहीं थे, पर भाजपा ने जब मध्य प्रदेश में मोहन यादव और राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी तो सब चौंक गए। ऐसे में लोगों के जहन में बस एक ही सवाल है कि एमपी में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा। इन चर्चाओं के बीच एक इंटरव्यू में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जब शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम सभी को नया काम सौंपेंगे। उन्होंने आगे कहा, ये सभी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। बीजेपी एक साधारण कार्यकर्ता का भी उपयोग करने से पीछे नहीं रहती। ये तो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इन्हें भी काम सौंपेंगे, इन्हें इनके कद के हिसाब से काम सौंपेंगे और अच्छे काम में लाएंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि वह शिवराज, वसुंधरा या रमन सिंह से बात करते हैं तो क्या उनकी तरफ से बागी तेवर देखने को मिलते हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ह्यूमन एंगल को समझकर ह्यूमन डीलिंग करना बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आता है। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के किसी के पास मॉरल राइट नहीं है क्योंकि वहां लोग कुर्सी से चिपके हुए हैं, लेकिन हमारे यहां ऐसी श्रृंखला मिल जाएगी, भाजपा में त्याग की एक श्रृंखला मिल जाएगी। पीएम मोदी जब संगठन में थे तो उन्हें जब नॉर्थ का काम मिला नॉर्थ गए, जब साउथ का काम मिला तो वहां जाकर काम किया, जब सीएम पद की जिम्मेदारी दी गई तो उसे भी निभाया। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी शिवराज और वसुंधरा को क्या जिम्मेदारी देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।